अरे बेटा। हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं खाड़ी बार कटई ग्राम पंचायत में। आप ज़रा ये राशन की दुकान दिखाइए, राशन का दुकान नंबर ये देखिए, यहाँ पर कटई नंबर एक खोनी नंबर थ्री। ये जो राशन की दुकान आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरफ दिखाइए ज़रा। यहाँ पर जो पब्लिक खड़ी है उनका कहना है कि वो सुबह 8 बजे से यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं राशन लेने के लिए, मगर मजाल है कि वक्त पर उनको राशन मिल जाए। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घंटों खड़े रहते हैं मगर राशन जो है तो वो हमें टाइम पर नहीं मिलता, लाइन में लगे रहना पड़ता है। इनका कहना ऐसा है कि सुबह से जो है वो मशीन यहाँ पर ख़राब चल रही है, और अक्सर ये एक बार नहीं है, अक्सर ऐसा होता रहता है कि यहाँ पर मशीन जो है वो ख़राब रहती है और इशू रहता है, जिसकी वजह से लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। क्या बोलेंगे भाई? भाई देखो, मैं सरकार से विनती करना चाहूँगा कि ये जो मशीन है, ये मशीन के सिस्टम में कुछ नया बदलाव लाया जाए, या तो फिर ये मशीन को बदली करा जाए। प्रॉब्लम क्या है? वही प्रॉब्लम ही बता रहा हूँ सर, क्योंकि देखो हम लोग 8 बजे से नंबर लगाए, वो मशीन चलने का नाम ही नहीं लेती है। सुबह आठ बजे से साढ़े बारह हो गया। अच्छा, वो जो अधिकारी जो देने वाला है उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसको जैसा सरकार ने दिया वो उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन तकलीफ तो हम लोगों की बढ़ गई ना। आज एक मिनट, 11 बजे नहीं आया, पहले पूछ ले कौन बोला 11 बजे आया हूँ। अरे मेरे भाई, ये देख पूछ खाला से, 8 बजे से हम लोग आए, तो 8 बजे से आए हम लोग, मशीन काम नहीं कर रहा है। अच्छा, वो 11 बजे आए, बाकी लोग अभी बाकी लोग इतने गए, वो गए गए ऐसे गए गए। बताओ कितने बजे आए आप कितने बजे आए? 8 बजे बराबर आए। और ये आइए अभी मेरे पीछे आए। बताओ क्या बोल क्या है ना, सबने सुबह से हम लोग आए इतना नंबर लगा के, बच्चे घर में कोई है नहीं, और कैसे हम लोग रहना बताओ ना। सर जी 11 बजे आए, एक मिनट सुनिए ना भाई, अगर 11 बजे भी आए तो इस वक्त 12:30 बज रहा है। तो मशीन जैसे चल रही है वैसे पब्लिक को दे ही रहे ना। वही बात कर रहे हैं, वो आपकी बात कर ही नहीं रहे, वो मशीन की बात बातला ही नहीं, मैं तो कुछ भाड़ा ही मार रहा हूँ। तो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो मशीन की बात मत बोल, ऐसा बोल रहे हो, झूठ मत बोल। वो आंटी क्या बोल रही है कि वो भी 8 बजे? अच्छा ठीक है, वो अगर 8 बजे नहीं आए, बाकी लोग तो यहाँ पर खड़े, तो उनको टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा? उनका गया जिनको मिलने का था उनका गया। ये लोग अभी आए? हाँ, ये 11 बजे आए थे। तू मोहम्मद नहीं आया खुद सच बोल यार, क्या झूठता है भाई। कुछ लोगों का कहना है भाई 11 बजे नहीं आए, कुछ लोग बोल रहे नहीं 8 बजे आए। चलो पब्लिक से ही बात करते हैं। मेरे पीछे से आइए, बाद में आए, वो मेरी औरत है, उसकी इसकी औरत है वो। हाँ भाई, तुमच्या समोर आले का ना, अकरा वाजता विचारना पहिले बाकी विचार। बोला काका, बोला आला का ना तुमच्या समोर आला ना? मेरे इथे गे, मेरे आगे। आम्ही 8:30 आलो मशीन, तुम्ही वापस गेले मशीन झाली, पण परत तुम्ही 11 वाजता आले ना? नाही नाही, सुबह 8 बजे तो आए थे ना। चलो हाँ बोलिए क्या बोल रहे खाला, क्या बोल? अरे हम लोग 8 बजे से आए यहाँ पे, कब से हम लोग नंबर लगाए, मशीन बंद बता रहा है, क्या करेंगे हम लोग फिर, कब तक खड़े रहेंगे घर में पकाना है? सर के सरकार से हम लोग ये निवेदन करना चाहते हैं कि मशीन में कोई सिस्टम लेकर आए, इसमें हम आम पब्लिक बहुत वो हो रही है, हैरान और परेशान हो रही है। तो मेरा बोलना ये है, सरकार से विनती करूँगा कि सरकार की जो चांद पे जाने वाली मशीनें काम कर रही, राशन देने वाली मशीन काम नहीं कर रही है, तो विनती करता हूँ मैं, इसमें कोई बदलाव लेकर आए। राशन देने वाले की भी कोई गलती नहीं है, वो बेचारा अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसको जो दिया गया वही काम करेगा। तो हमारे को सरकार से वो है कि बाबा सरकार इसमें कुछ बदलाव लेकर आए। तो हमारे साथ जो इस शॉप के, इस राशन के जो इंचार्ज हैं वो मौजूद है, जरा उनसे बात करेंगे कि ये जो मशीन का जो प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे से यहाँ पर लाइन लगाए खड़े हैं मगर उनको राशन नहीं मिल रहा, क्या मसला है भाई? यहाँ सर्वर का इशू है, मशीन सुबह से ज़्यादा चल ही नहीं रहा है। पूरा महाराष्ट्र में जो दिवाली का किट बांट रहा है उसके वजह से एक ही साइड रहने से यहाँ पूरा किट के वजह से मशीन का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि कैसा है, अगर ये स्लो चलेगा तो लोग कितनी देर लाइनों में खड़े रहेंगे, क्योंकि लोगों को काम पे जाना है, स्कूल जाना है, घर पे जाना है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो आप बोलते नहीं ऊपर, ये रिपोर्ट नहीं करते? हम लोग हर बार कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन सर्वर हर टाइम ख़राब नहीं हो रहा है। ये आज ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि जहाँ दिवाली का जो किट आ रहा है, दिवाली के किट की वजह से, किट के वजह से ज़्यादा सर्वर इशू हो रहा है। दिवाली के किट की वजह से सर्वर का क्या लेना देना, क्योंकि एक ही साइड पे एक साथ सब मशीनें पूरा महाराष्ट्र में चालू हो रहा है एक ही साइड पे, इसलिए उस पर पूरा जाम आ रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं फिर, मतलब इसका हल क्या है? अभी ऐसा अभी स्लो चालू हो रहा है, मशीन तो देते जा रहे हैं।
आप ट्राई कीजिए, लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में ऊपर रिपोर्ट कीजिए कि यहाँ पर अक्सर जो है तो सर्वर डाउन रहता है, जिसकी वजह से लोगों को लाइन में खड़ा रखना पड़ता है। सर सर्वर डाउन नहीं होता, आज बोल रहे थे भाई साहब, भाई साहब बोलते होंगे, लेकिन मैं इतना दिन से दुकान चला रहा हूँ, अब तक इतना सर्वर अभी तक डाउन नहीं हुआ है, लेकिन आज ही हुआ है, आज ही ज़्यादा हो रहा है। तो कटाई नंबर वन, खोरी नंबर थ्री में ये राशन ऑफिस में जो प्रॉब्लम चल रहा है कि लोग यहाँ पर सुबह से लाइन लगाकर खड़े हैं मगर उनको राशन नहीं मिल रहा है। वजह जो भाई साहब वो ये बता रहे हैं जो इंचार्ज है दुकान के कि दिवाली का जो बोनस अभी दिवाली की वजह से जो किट आई हुई है राशन की, उसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में जो है तो मशीन जो है तो वो स्लो चल रही है, सर्वर डाउन चल रहा है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि एक आध दो लोगों से और बात करते हैं, क्या वहाँ पर भी स्लो हो रहा है या सिर्फ यहीं पर है। ये भी एक राशन की दुकान है, जैसे कि बोला जा रहा है कि मशीन में प्रॉब्लम चल रहा है, तो इनसे पूछेंगे भाई मशीन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सुबह से तो प्रॉब्लम ही चल रहा था, सुबह से खाली 6-7 लोग का अंगूठा लगा था, अब भी ये 12 बजे चालू हुई है। 12 बजे चालू हुई है मशीन, सुबह से प्रॉब्लम था? हाँ सुबह से प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम हमेशा रहता है कि कभी कभी होता रहता है, बीच में महीने में कभी कभी 2-4 दिन शुरुआत में या बीच में, जब ज़्यादा मतलब कैसा है ना, हर जगह का एक साथ अनाज बटने लगता है, सर्वर का इशू आता ही है हर महीने में कुछ ना कुछ। तो इसकी कोई कंप्लेंट आप लोग करते हैं ऊपर कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि लोग लाइन में खड़े रहते हैं ना? गवर्नमेंट का ग्रुप है अपने पास, तो ये जो ऑफिशियल ग्रुप है ना एक, ये देखो अपन इस पे डालते हैं। अच्छा। तो ये इस पे सब फोटो वीटो अपन डाल देते हैं। हाँ। ये सब तो उधर से कैसा है, कभी रिप्लाई आता है, कभी लेट हो जाता है, वो रिप्लाई करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन वो 12 के बाद अब भी चालू हो गए, ऐसे महीने में 1-2 दिन तो ऐसा रहे। फिर कितनी देर तक दुकान चालू रहेगी? अभी जब तक पब्लिक है तब तक चालू रहेगा, ऐसा तो नहीं ना कि भाई टाइम हो जाएगा तो बंद करके निकल काहे का टाइम, अभी इतना 12 बजे चालू हुई है तो ख़त्म करके ही जाएंगे अब। तो घूंघट नगर की एक राशन ऑफिस पर हम मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसका जो नंबर है वो दुकान नंबर 37 279। ये यहाँ पर अभी हम कुछ लोगों से जब यहाँ पर हमने बात की तो उनका कहना ऐसा है कि भाई सर्वर वाकई में डाउन है, और ये भाई साहब तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले अपनी दुकान बंद करके चले गए क्योंकि सर्वर ही नहीं चल रहा था, वो किट वगैरह बांट रहे थे, वो भी जो दिवाली की किट आई हुई है। तो चलिए देखते हैं कोई और दुकान, कोई और शॉप अगर मिलती है तो उनसे बात करते कि क्या वाकई में सर्वर डाउन है या नहीं। तो ये एक और राशन की ऑफिस है, तो वहाँ पर भी पूछते हैं कि भाई मशीन जो है जो सर्वर डाउन चल रहा है वो वाकई में चल रहा है या नहीं। जी भाई, सर्वर अभी थोड़ी देर पहले नहीं चल रहा था, लेकिन अभी ठीक से चल रहा है। अभी स्टार्ट हुआ सर्वर? अभी करीबन ये चालू हुआ है 12 बजे करीबन। और सुबह से जो 8 दुकान कितने बजे खुलती है? 8 o'clock सुबह 8 बजे, यानी 8 बजे से 12 बजे तक सर्वर नहीं चल रहा था? चल रहा था लेकिन रुक रुक के चल रहा था। ये सब जगह आज प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र में प्रॉब्लम, सर्वर प्रॉब्लम मीन्स पूरे महाराष्ट्र में प्रॉब्लम रहता है। किस वजह से, क्या क्या रीज़न है? सर्वर इशू मतलब आपको पता है वो नेटवर्क का इशू कंजेस्टेड रहता है, उसके बेसिस में चलता है वो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि किट सब जगह बांटी जा रही है इसीलिए डाउन होता है? कैसा होता है कि ये सर्वर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होता है इसमें इनपुट वहीं से होता है ऑफिशियली, और जब वो हैंग हो जाता है या लोग ज़्यादा एक साथ करते हैं तब वो हैंग होता है। अभी ये चालू हो गया है, अब प्रोसेस हो जा रहा है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, जब हमें ये पता चला कि भाई कुछ लोग सुबह 8 बजे से लाइन लगाकर खड़े हैं और उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो हमने ये कोशिश की वजह जानने की भाई क्या प्रॉब्लम है। तो वजह यही है कि किट जो अभी दिवाली की किट जो बांटी जा रही है, तो उनका कहना ऐसा है कि बहुत सारे लोग आज एक साथ राशन दुकान पर एक साथ किट बांट रहे हैं, जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सर्वर के अंदर है, प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर है, प्रॉब्लम नेटवर्क के अंदर है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और लोग सुबह 8-8 बजे से लाइन लगाकर 12-12 बजे तक 4-4 घंटा यहाँ पर लाइन लगाए खड़े हैं। तो मसला ये है कि लोगों को चाहिए कि जो भी इनके ऑफिसर्स लोग हैं, जो भी इनके अधिकारी हैं, वो ऊपर इस चीज़ की रिपोर्ट करें कि भाई राशन की जो मशीन होती है उसको अपडेट किया जाए, उसको अपग्रेड किया जाए, उसका सिस्टम थोड़ा फास्ट किया जाए, ताकि लोगों को 4-4, 5-5 घंटा लाइन ना लगाना पड़े। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। आपको अगर राशन ऑफिस से लेकर कोई भी मसला, कोई भी इशू है, तो हमें कमेंट्स में कीजिए या फिर हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपके भी न्यूज़ बनाएंगे।